ओम महालक्ष्मी नमो नमः। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय सिहाग में। और आरंभ से हम जानकारी साझा कर रहे हैं आपसे अचानक धन प्राप्ति के उपायों की। दोस्तों मनुष्य काफी संघर्षशील प्राणी होता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए दिन रात मेहनत करता है। किंतु किन्हीं नकारात्मक शक्तियों की वजह से या वास्तु दोष की वजह से या ग्रहों की चालों की वजह से वह व्यक्ति अपने कार्य में, अपनी दिशा में सही तरीके से प्रगति नहीं कर पाता। तो दोस्तों आरंभ से ही हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपसे ऐसी ऐसी जानकारियां, ऐसे ऐसे शास्त्रीय व ज्योतिषीय उपाय आपसे साझा किए हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर अचानक धन की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने कर्ज को उतार सकते हैं, या यूं कहें कि धन आगमन के जो स्रोत हैं उन्हें हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हमने किसी भी वीडियो में जादू टोने या किसी भी तरह की उल फजूल बातों का जिक्र नहीं किया है। हमने तो मात्र जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में, वेवर्त पुराण में या हमारे ग्रंथों में जो चीज़ लिखी गई है उसके बारे में जानकारी साझा की है। आज का जो उपाय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। दोस्तों ये एक छोटा सा उपाय आपको करना है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल आप नहा धोकर, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन नहा धोकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, साफ सुथरे माता लक्ष्मी के आगे आपको आसन लगाना है। और दोस्तों नाग केसर एक बहुत ही शुद्ध और माता लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है। जिस तरह से नाग केसर है, उसके बाद में मनी प्लांट माना गया है, घर के अंदर आर्थिक प्रगति का जो घोतक माना जाता है, उसके बाद में परिजात है, इस तरह के पौधे हैं। तो आपको शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में प्रातःकाल नहा धोकर परिजात पौधे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसको जल से शुद्ध करना है, माता लक्ष्मी को अर्पित करना है और पूजा अर्चना करने के बाद उसे आप अपने धन के स्थान पर जहां आप तिजोरी रखते हैं या अपना खजाना रखते हैं, अपना पैसा दौलत इत्यादि रखते हैं, वहां रखना है, या फिर आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय करना है शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को परिजात पौधे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा आपको प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगा। आप निश्चित तौर पर सफल होंगे और धन आगमन के स्रोत बढ़ जाएंगे और आप खुशहाली प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः।